श्री विजय सेतुपति को रजत कमल प्रदान किया जाता है। For his challenging and convincing performance as a transgender. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हिंदी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एवं हिंदी फिल्म पंगा के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत जी को रजत कमल दिया जाता है। For the outstanding performance as the legendary Jhansi ki Rani in the film Manikarnika and the depiction of a middle-aged mother coming back to sports facing all odds in the film Panga. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए माननीय जूरी ने दो अभिनेताओं को चुना है। पहले अभिनेता हैं श्री धनुष, इन्हें तमिल फिल्म असुरन में इनके अभिनय के लिए पुरस्कृत किया गया है, इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। For the versatility in carrying out the role of a young rebel and later as a sobered father figure in the film. दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं श्री मनोज बाजपेयी, इन्हें हिंदी फिल्म भोसले में उनके अभिनय के लिए पुरस्कार तेलुगु फिल्म महर्षि को दिया जाता है। इस फिल्म में निर्माता हैं श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री वी वेंकट रमन रेड्डी। फिल्म के निर्देशक श्री पाइडी पल्ली वामशिधर राव को भी स्वर्ण कमल। The concept of the film that ingeniously addresses through the protagonist the necessity of our present globally spread youth to get connected to our grassroots culture and encounter the freshly brewed challenges of globalization in the prime area of agriculture. निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मलयालम फिल्म हेलेन को दिया जा रहा है। इस फिल्म के निर्माता बिग बैंग एंटरटेनमेंट्स को स्वर्ण कमल। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री नोबेल बाबू थॉमस। फिल्म के निर्देशक श्री मथुकुट्टी जेवियर को भी स्वर्ण कमल। A highly engaging way of telling the story of a young girl entrapped in a